जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी रीसेलिंग एप्लीकेशन हैं उनमें प्रोडक्ट के प्राइस हाई होते जा रहे हैं। अब भाई प्रोडक्ट के प्राइस हाई होते हैं तो रीसेलर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा ये रीसेलिंग कंपनियों को कि अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपको भी लॉस नहीं होगा और प्रोडक्ट की प्राइस भी आप कम कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट इस वीडियो को देखिए और आपके जो सजेशन हो इन कंपनियों के लिए तो कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास सजेशन नहीं है तो जो मैं सजेशन दे रहा हूँ उन्हें अगर आप सपोर्ट करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। देखो बहुत सारी कंपनियाँ हैं इंडिया में रीसेलिंग के लिए, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कुछ कंपनियों को सपोर्ट करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ और आपको भी बोलता हूँ कि उनके साथ काम करो। जिनमें से मीशो, शॉप 101, ग्लोरोड और हाईबॉस, इन चार कंपनियों के बारे में मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि ये भरोसेमंद कंपनी हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं और धोखाधड़ी नहीं करेंगी लोगों के साथ। और बाकी की जाने कितनी कंपनियाँ आती हैं, कितनी जाती हैं, कितनी कंपनियाँ मेरे को बोलती हैं कि तुम पैसे ले लो उसके बाद प्रमोशन कर दो, मैं नहीं करता क्योंकि भाई मेरे को सही चीज़ आपको बतानी है और लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस को चलवाना है और पूरी हेल्प करनी है आपकी। तो इसलिए मैं कभी भी गलत कंपनियों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे को लगता है किसी भी प्रोडक्ट की रेट कम करने के लिए वो इन कंपनियों को फॉलो करना चाहिए कि जो आपके प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो या तो मैन्युफैक्चरर हों या होलसेलर हों, इन दो लोगों को ही परमिशन दो। होता क्या है कि प्रोडक्ट की चैन बन जाती है, इन्होंने हर किसी को ऑफर करके रखा है, जिसके पास GST है वो अपने प्रोडक्ट को इनके प्लेटफॉर्म में सेल कर सकता है, अगर कोई दुकान वाला है तो वो भी सेल कर सकता है। अब एक बात सोचने वाली है, कोई दुकान वाला है जो मार्केट में दुकान डाल के बैठा है तो वो एक लास्ट स्टेज वाला इंसान है जो कि दुकान चला रहा है, कस्टमर को बेच रहा है, तो उसको प्रोडक्ट इतनी हाई रेट में मिल रहा होगा तो वो प्लस उस पर चार्जेस ऐड करेगा तो कहाँ से वो तो मार्केट से ज़्यादा रेट में सेल करेगा ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन सेल करने में खर्चे बहुत आते हैं, पैकिंग का, डिलीवरी का, तो सारे खर्चे ऐड करेगा क्योंकि वो तो लास्ट बिजनेसमैन है, लास्ट ही दुकान वाला है, तो उसको तो लास्ट रेट पे मिल रहा है क्योंकि उससे आगे सीधा कस्टमर को ही जाएगा। अगर आप होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर लेते हैं तो वो प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता मिलेगा और केवल उन्हीं को परमिशन दीजिए तो वो सस्ता प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो रीसेलर को भी सस्ता ही प्रोडक्ट मिलेगा और रीसेलर आगे ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर लेगा और रीसेलर भी थोड़ा अच्छा मार्जिन कमा लेगा, प्लस ऑफलाइन में भी बल्क में ऑर्डर आपको दिला सकता है और आपको फ़ायदा दिला देगा। इसके अलावा सबसे बड़ा इशू आता है कि जो इनके प्लेटफॉर्म पर सेल करती हैं ये लोग उनसे 20 से लेकर 35% तक कमीशन लेती हैं, ये कमीशन काफ़ी ज़्यादा है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिन पर 33-33% कमीशन लिया जाता है, आपने भी देखा होगा, तो इनको इतना कमीशन नहीं लेना चाहिए। देखो 33% बहुत ज़्यादा होता है, 100 रुपये के प्रोडक्ट पर 33 रुपये लेना, 1000 के प्रोडक्ट पर 330 रुपये लेना और प्लस उनका यार पैकेजिंग का भी चार्ज होता है, डिलीवरी का भी चार्ज होता है, तो काफ़ी खर्चे होते हैं सेलर के जो सेल कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पर, तो उनके और भी बहुत खर्चे होते हैं। तो आप इतना मार्जिन लोगे, अपना इतना कमीशन चार्ज करोगे तो वो कैसे सेल कर पाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 12-13% ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 12-13% भी, क्योंकि यहाँ पर चेन एक लंबी चलती है कि वो लोग भी बेच रहे हैं, फिर वो आपके प्लेटफॉर्म को भी दे रहे हैं, पैकेजिंग का भी खर्चा दे रहे हैं, डिलीवरी का भी दे रहे हैं, फिर हम जैसे रीसेलर भी उसमें अपना मार्जिन ऐड कर रहे हैं, तो काफ़ी महंगा प्रोडक्ट हो जाता है। तो जिस कस्टमर के पास भी जाता है ना उसे भी बुरा फील होता है कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट दिया है मेरे को, ये तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है या दूसरी ई कॉमर्स कंपनी इसे काफ़ी सस्ता दे रही हैं, तो ऐसा अक्सर होता है, देखने के लिए आता है। तो आप जो सेलर से कमीशन लेते हैं उसे थोड़ा कम करिए। अब आपको ऐसा लगता है कि अगर हम सेलर से कमीशन लेंगे तो कम करेंगे तो हमें लॉस होगा, तो आपको लॉस मैं नहीं होने दूंगा, आपका एक प्रॉफिट करा देता हूं उस जगह। सेलर का थोड़ा कमीशन कम कर दीजिए, रीसेलर से थोड़ा चार्ज लेना स्टार्ट कर दीजिए, मंथली चार्ज लगा दीजिए कि आपको 200 रुपये या 100 रुपये हर महीने पे करने होंगे अगर आपको रीसेलिंग करनी है तो। इससे दो फायदे होंगे, पहला फ़ायदा ये होगा कि वो रीसेलर सिर्फ और सिर्फ वही रीसेलर रहेंगे जो रियल में रीसेलिंग करना चाहते हैं, और जो 100 रुपये देगा 200 रुपये देगा तो वो मेहनत से रीसेलिंग करेगा क्योंकि उसे कम से कम ये तो वसूल करनी ही करनी है, प्लस जो फालतू के रीसेलर हैं वो हट जाएंगे प्लेटफॉर्म से, तो कंपटीशन कम होगा, तो जो हर कोई अब रीसेलर बन बैठा है वो कस्टमर बन जाएंगे और रीसेलर लिमिटेड रह जाएंगे।
तो ये लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा रीसेलर नहीं होंगे तो बाकी के कस्टमर होंगे, क्योंकि हर कोई तो प्लान खरीद नहीं सकता जो पेड प्लान आप चलाओगे। तो इससे क्या होगा, रीसेलर्स के लिए कंपटीशन कम होगा, आपके लिए अच्छी खासी इनकम होगी, क्योंकि रीसेलर से भी मिलेगा उधर सेलर से भी मिलेगा, टू साइड इनकम मॉडल बन जाएगा आपका। तो आप दोनों साइड से कमाई करोगे, लेकिन सेलर से थोड़ा कम लो, इधर से भी थोड़ा कम लो, थोड़ा थोड़ा सभी से लोगे तो आपकी भी भरपाई होती रहेगी। तो इसलिए थोड़ा आप सेलर से भी चार्ज कर सकते हो, थोड़ा आप रीसेलर से भी चार्ज कर सकते हैं, जिससे कंपटीशन भी कम हो। प्लस अगर आप सेलर से कम चार्ज करोगे तो सेलर प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी कम कर देगा, जिससे सस्ता प्रोडक्ट हमें मिल पाएगा। इसके अलावा जो मेरे को सबसे बड़ा लगता है वो है आपका ओवर एडवर्टाइजमेंट करना। अब ओवर एडवर्टाइजमेंट करना मतलब आप अगर ऐड चला रहे हो, तो ऐड ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब फेसबुक आप पर आप ऐड चला रहे हो तो फ्री में चल रहा हो, ऐसा तो है नहीं। अब ऐड चलाने के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, तो वो पैसे कहाँ से वसूल होंगे? वो पैसे उस सेलर से वसूल होंगे। आप सेलर पर चार्ज लगाओगे, प्रोडक्ट जो कमीशन आपको मिला है उससे थोड़ा और हाई करोगे। अब भाई सेलर पर जब चार्ज ज़्यादा आएंगे तो सेलर क्या करेगा, सेलर प्रोडक्ट की रेट बढ़ा देगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट रेट बढ़ जाती है आपके एडवर्टाइजमेंट की वजह से। दूसरा लॉस ये होता है कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हो तो ज़्यादा रीसेलर होते हैं, तो जो रीसेलर के कस्टमर होते हैं वो भी रीसेलर बन जाते हैं, तो यहाँ पे उनका भी लॉस होता है। तो आप डबल लॉस कर रहे हो, एक तरफ तो सेलर का भी लॉस कर रहे हो, अपना भी लॉस कर रहे हो, फिर रीसेलर का भी लॉस कर रहे हो। तो जो पेड प्रमोशन आप चला रहे हैं चलाइए, मैं ये नहीं कह रहा मत चलाइए, लेकिन ओवर प्रमोशन मत करिए। ओवर प्रमोशन से हर किसी को लॉस होता है, आपको भी लॉस होगा, हमें भी लॉस होगा, और दूसरे बंदों को भी लॉस होगा। जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं या जितनी भी सोशल ई कॉमर्स कंपनियां हैं, वो ओवर एडवर्टाइजमेंट करेंगी तो उसका लॉस ही होता है। जो कंपनी किसी पब्लिक से कनेक्ट है और पब्लिक की हेल्प से चलती है, वो कंपनी अगर ज़्यादा प्रमोशन करेगी तो पब्लिक को उससे नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। ये चार मेरे स्टेप हैं, मेरे चार पॉइंट हैं, जो कि अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी का रीसेलर इतने सारे ये वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताएंगे इन कंपनियों को कैसे कम हो सकती है। और आपको बताना चाहूँगा कि जितने भरोसेमंद और अच्छे रीसेलिंग एप्लीकेशन हैं उन सभी के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।